अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम है, मेरा चैनल का नाम असलम यूफिट। मैं आज आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ जिम यानी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस, ये दो चीज़ क्या है। खाली जिम में वर्कआउट करेगा, बॉडी बिल्डिंग में क्या फ़ायदा होता है यानी आपका फिटनेस में क्या फ़ायदा होता है, ये करेगा तो क्या आपके लिए बेनिफिट है, ये मैं बताना चाहता हूँ। 20 उम्र से लेके 40-45 उम्र तक लोग जिम में जाते हैं। 20 उम्र से हम लोग का दिल में ऐसा होता है यानी हम लोग जिम जाएगा यानी बॉडी बनाएगा, ऐसा यानी हम लोग आगे मसल बनाएगा, ऐसा कुछ फिटनेस मॉडल का मोटिवेशन वीडियो देख के सोचता है यानी हम लोग ऐसा बनाएगा। अगर आप एक जिम ज्वाइन करेगा तो जिम में पहले आपका कोच आपका बॉडी देखेगा, आपका बॉडी के हिसाब से क्या खाने का है, कैसा खाने का है, कैसा वर्कआउट करने का है, वर्कआउट का टेक्निक कैसा है, वो सब चीज़ आपको ट्रेनर ने बताएगा। ट्रेनर को इसलिए चूज़ करने के लिए बोलता है क्योंकि आपको इंजरी के बगैर इंजरी में आपको वर्कआउट कर सकते हैं। इंजरी ऐसा होएगा, एक तो आपका गले में होएगा, नहीं तो शोल्डर का अंदर, नहीं तो आपका कमर में दर्द होएगा, लोअर बैक में ऐसा दर्द होएगा, नहीं तो आपका नी में प्रॉब्लम होएगा, नहीं तो जॉइंट पे, नहीं तो आपका टेनिस एल्बो पे ऐसा पेन होएगा, वो लाजम एक ट्रेनर का थ्रू होएगा तो आपको नहीं होएगा। क्योंकि टेक्निक लाजम टेक्निक है यानी खाली वजन उठा के ट्रेनिंग करेगा नहीं, लाजम टेक्निक के ऊपर भी जाना मानते हैं। मेन चीज़ ये है कि क्योंकि कुछ लोग ऐसा जिम में आएगा हम लोग का पेट कमती करने के, कुछ लोग आएगा मसल गेन करने के, बॉडी बिल्डिंग करने के, लाजम आपका बॉडी का थ्रू हर आदमी के लिए डिफरेंट बॉडी होएगा, वो ट्रेनर ने बताएगा ये क्या चीज़ है, ये कैसा खाएगा, वर्कआउट क्या है, कितना घंटा सोने का है, क्या तरतीब, हर सिस्टम आपको ट्रेनर ने, एक अच्छा ट्रेनर आपको बता सकता है। इसलिए ट्रेनर का तू थ्रो करेगा वो अच्छा, कोई भी ट्रेनर के पास जाएगा वो आपके लिए कुछ गलत नहीं बताएगा क्योंकि वो आपके लिए अच्छा सजेशन देगा यानी आपका बॉडी के लिए भी यानी स्किन का यानी मसल का हर चीज़ के लिए। नंबर वन चीज़ है, कभी कुछ लोग ऐसा होता है जिम में आएगा तो पानी पीना भी भूल जाते हैं, वो लेकिन वो टाइम अगर ट्रेनर का फोकस होगा तो बोलेगा पानी पियो, दिन में इतना पानी पीने के, वो लाजिम आप फॉलो करना मत, आप लोग फॉलो करेगा तो आपको फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं आप जिम में जाएगा वर्कआउट करेगा वजन उठाएगा यानी कुछ यूट्यूब का वीडियो देखेगा, कुछ बॉडी बिल्डर का अच्छा बॉडी वाले का देखेगा उसका सेम वजन उठाएगा, वो टाइम आपको इंजरी हो सकते हैं। क्योंकि सब चीज़ यानी अगर कटिंग करेगा तो भी या वेट गेनिंग करेगा तो भी एक ट्रेनर का फोकस आपके ऊपर होएगा, वो आपके लिए बेस्ट है। आपका जो ट्रेनर है वो आपका बॉडी एनालाइज करेगा, फिर आपके लिए क्या खाने का है, क्या वर्कआउट करने का है, कैसा वर्कआउट करने का है, वो सब चीज़ आपको आपका ट्रेनर बताएगा। वो ट्रेनर बताने का उसका रास्ते उसको फॉलो करेगा तो आपका बॉडी पे चेंज होगा, नहीं तो आप महीना महीना साल साल ऐसा करते रहेगा, बोलेगा हमारा मसल पे चेंज नहीं आएगा, आपका मसल पे चेंज नहीं आने का तो लाजम ट्रेनर से फॉलो करो। तीन टाइप का बॉडी टाइप होता है, एसोमोर्फ, एंडोमोर्फ, एक्टोमोर्फ, ये तीन टाइप बॉडी टाइप है। वो बॉडी आपका ट्रेनर ने एनालाइज करके आपको बताएगा क्या क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा है जिम में आएगा, फिर जिम में 3-4 महीना वर्कआउट करेगा, फिर बोलेगा रिजल्ट नहीं मिलता बोल के जिम छोड़ता है, वैसा भी लोग है। मेनली ऐसा लोग के लिए मैं ये चीज़ बताता हूँ, कुछ लोग का बॉडी में 3 महीने में रिजल्ट दिखाएगा, कुछ लोग का बॉडी में 6 महीने में रिजल्ट दिखाएगा, कुछ लोग का बॉडी में 1.5 महीने में रिजल्ट दिखाएगा, कुछ लोग का बॉडी में 1 साल लगेगा। अलग अलग आदमी का अलग अलग टाइप होता है क्योंकि सब लोग का खाना, जब भी मैं अगर खाना कुछ लेगा तो मेरा जल्दी अब्सॉर्ब होएगा, दूसरे का कुछ देर से लगेगा, ऐसा डिफरेंट होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी होता है, उसके हिसाब से आप वर्कआउट और खाना सब चीज़ का तरतीब करने। खाली मोटिवेशन वीडियो देखेगा तो आपका बॉडी नहीं बनेगा, ट्रेनर का टिप्स ले लो, एडवाइस ले लो, आप सही तरीके से जाओ,
यानी खाना पीने का सब तरतीब ट्रेनर से पूछ के तरतीब करो, वर्कआउट भी सही तरह पूछ के तरतीब करेगा, आपके लिए बॉडी बनता है। यही मेरा आज का टॉपिक है। अगर आप सबको ये पसंद होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके, आज के लिए मैं बाय।